रिलेटिव वेलोसिटी, न्यू टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल मीनिंग होता है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू velocity of another object is known as relative velocity. The velocity of an object with respect to another object, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। फिर से देख लो एक बार, रिलेटिव वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसका सिंपल मीनिंग कैसे निकलता है वो देख लो। समझो एक व्हीकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड है समझो 60 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा एक और व्हीकल है वो भी इसी तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, लेकिन उसकी जो स्पीड है यानी कि वेलोसिटी जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ए है और ये कौन है, बी है। तो मुझे बता सकते हो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, बोलो सर? लेस देन है, मोर देन है? नहीं, लेस देन। ए की वेलोसिटी बी से तो ज्यादा है, 60 या 40, लेकिन कितनी ज्यादा है इसकी? 20। तो 20 तुमने कैसे फाइंड करी? 60 और 40 का क्या कर दिया तुमने? सबट्रैक्शन, कंपैरिजन। सबट्रैक्शन, हाँ, कंपैरिजन वन टाइप ऑफ। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, the velocity of A with respect to B is equal to क्या होगा, velocity of A minus velocity of B, यानी उसको लिखेंगे 60 minus 40 is equal to 20, got it? Same अगर मैं लिखूँ VBA, VBA का मतलब हम लिखेंगे velocity of B with respect to A, तो velocity of B with respect to A तो क्या लिखेंगे इसको, VB, क्या लिखेंगे, VB माइनस वी ए, जहां वी बी क्या है 40, वी ए क्या है 60, तो ये क्या बन जाएगा, इट्स माइनस 20। देखो प्लस का मतलब है ए इज अहेड देन बी, माइनस का मतलब है बी जो है वो ए से जो है वो बिहाइंड है, पीछे है, मतलब उसकी वेलोसिटी हर आर में 20-20 कम होगी, मतलब ये 60 है ये 40 है, तो डिफरेंस आया 20, तो 20 किलोमीटर पर आवर डिफरेंस आया। 20 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब निकलता है कि ए जो है हर आर में 20 किलोमीटर बी से आगे जाएगा, हर आर में, हर एक घंटे में ए जो है 20 किलोमीटर से पीछे आगे जाएगा, और बी क्या होगा, उसका आंसर माइनस में है, माइनस का मतलब क्या है, वो हर घंटे ए से 20 किलोमीटर पीछे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों ने साथ में जर्नी स्टार्ट की, तो एक घंटे के बाद ए 60 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा, बी ने ट्रैवल किया होगा 40 किलोमीटर। अगर 2 घंटा ट्रैवल किया तो ए ने 2 घंटे में ट्रैवल कर लिया होगा 120 किलोमीटर और बी ने ट्रैवल किया होगा 80 किलोमीटर। अगर इन्होंने 3 घंटे लगातार ट्रैवल किया तो ए कितना ट्रैवल कर लेगा 180 किलोमीटर और बी कितना ट्रैवल करेगा 120 किलोमीटर, मतलब ए हर घंटे 20-20 किलोमीटर आगे जाएगा, मतलब 3 घंटे में वो टोटल 60 किलोमीटर जितना आगे चला जाएगा। बात समझ में आई इतनी? किसी को डाउट बेटा? यस सर। एवरीवन क्लियर? नो सर।
ओके एक सेकेंड, तो यहाँ तक क्लियर हुआ रिलेटिव एलोशिप। इसको हम लिखेंगे ऐसे, कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी ए and VB, VA and VB, then velocity of A with respect to velocity of B. तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको लिखेंगे VAB का मतलब होता है velocity of A with respect to B. तो इसको फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, V of A minus V of B. सिमिलरली अगर मुझे लिखना हो velocity of B with respect to velocity of A, तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, तो उस वक्त हम लिखेंगे VBA. VBA denotes its VB minus VA. Clear? तो पहला जो टर्म है उसकी वेलोसिटी होती है और जो सेकंड टर्म है वो विथ रिस्पेक्ट टू होता है. लेकिन याद रखना ये जो दो हमने किए हैं ये किसमें किए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दो मोशन है दोनों सेम डायरेक्शन में है. एक मान लो है ए दूसरा है बी, ये है बी और जो पहला वाला है वो है ए. गॉट इट? किसी को डाउट यहां तक? No sir. इसमें अगर ऐसा हो, if directions of motions are opposite, अगर मोशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट मतलब ये है कि ए कैसे जा रहा है, ठीक है समझो, ये कैसे जा रहा है और जो दूसरा है वो ऐसे आ रहा है, ऑपोजिट हो गया. समझो ये जो है इसकी वेलोसिटी बी है और ये जो ऊपर वाला पहला वाला है वो ए है, दोनों ऑपोजिट है. तो अगर मैं इसमें लिखूं वी ए बी उसका मतलब क्या होता है, वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी. देखो मैंने बी में आगे माइनस लगा दिया, माइनस लगाने का रीजन है कि बी वाले की जो डायरेक्शन है वो ए के कंपेयर में क्या है, ऑपोजिट. गॉट इट? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका मतलब दो अगर ऑपोजिट जा रहे हैं तो उन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होगी, ऐड हो जाएगी, वी ए प्लस वी बी. आई बात समझ में? सेम डायरेक्शन में हो तो माइनस होता है जो हमने लेफ्ट में पढ़ा वो, लेकिन अगर ऑपोजिट है तो ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. किसी को डाउट बेटा इसमें? एवरीवन क्लियर? यस सर. ऑपोजिट हो तो एडिशन होता है. अब तीसरा जो आता है, इफ मोशंस ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर, डायरेक्शन देखो बदल गई, क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई. अब पूरा ध्यान यहां पे, अब परपेंडिकुलर का क्या मतलब निकलता है, समझो एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये मान लो है ए और जो दूसरा पार्टिकल है वो ऐसे आ रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे,
और समझो वो है बी, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए। तो जब हमें दोनों परपेंडिकुलर हो तब हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं बी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी ऑफ बी स्क्वायर। यह रहेगा अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो फॉर्मूला लगेगी पाइथागोरस वाली। क्लियर? तो ये था तुम्हारा तीन टाइप के रिलेटिव वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन, और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो पाइथागोरस लगाएंगे अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। गॉट इट? किसी को डाउट इसमें? तो ये था तुम्हारा टॉपिक कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी। अब हम टॉपिक करेंगे रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पूरा कॉन्सेंट्रेट। ये एक एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस में ये जो पॉइंट है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओ इनिशियल पॉइंट। अब इस पूरे सिस्टम में यहां पे अपने पास एक पार्टिकल है, यहां और एक पार्टिकल यहां है, दो पार्टिकल है अवेलेबल अपने पास। जो पहला पार्टिकल है उसका यहां से जो डिस्टेंस है और ये दूसरे पार्टिकल का डिस्टेंस, दो पार्टिकल है, पहले वाले का जो डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं एक्स नॉट ए और इसको नाम देते हैं एक्स नॉट बी। ये जो जीरो लगा ना इसको नॉट वर्ड यूज करते हैं, नॉट का मतलब होता है इनिशियल। ये अपने दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, ए का डिस्टेंस है एक्स नॉट ए, बी का डिस्टेंस है एक्स नॉट बी। तो बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस बोलो कितना होगा, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। वेरी गुड, इट्स एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कंसिडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी, ए एंड बी आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट पोजिशंस x नॉट ए एंड x नॉट बी। क्या रखें, x नॉट ए पे और x नॉट बी पे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। t इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है इनिशियल। नाउ दे आर मूविंग विथ velocity VA and VB respectively, VA and VB respectively। अब जो है दोनों मूव करने लगते हैं, ये भी मूव कर रहा है और ये भी, इसकी जो वेलोसिटी पहले वाले की वो मान लो V of A है और दूसरे वाले की स्पीड कौन सी है, v of b, मतलब वेलोसिटी ऑफ a एंड वेलोसिटी ऑफ b। क्लियर? फिर से एक बार देख लो पूरा कंसेप्ट, दो पार्टिकल्स हैं a और b, वो रखे हैं x एक्सिस पे, जो a पार्टिकल है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है x नॉट a, वेयर x नॉट a इज डिस्टेंस ऑफ a और इनिशियली, एंड बी पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस कौन सा है एक्स नॉट बी।
और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स नॉट बी माइनस एक्स नॉट ए। ये जो नॉट लगाते हैं, जो जीरो लगाते हैं ना, वो आइडेंटिफाई करता है कि इनिशियल वैल्यू है, मतलब कौन से टाइम पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे। गॉट इट? नाउ दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी एंड वी बी। अब दोनों मूव करें किस वेलोसिटी से, वी एंड वी बी। वेलोसिटी कौन सी, वी एंड वी बी। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू टी टाइम। पोजिशन ऑफ पार्टिकल ए आफ्टर टाइम टी, इसका मीनिंग है कि जीरो टाइम पे पार्टिकल ए यहां था एक्स नॉट ए पे, उसके बाद उसके पास वेलोसिटी आई, वेलोसिटी से आगे ट्रेवल कर रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उसका पोजीशन क्या होगा। जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, पूरा ध्यान। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब पहले वो यहां था, और समझो उसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट ले लो 2 मीटर है। अब ये यहां पे खड़ा है, अब यहां से आगे जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड का, कि हर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, 5, मतलब हर सेकेंड में उसका डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर आगे जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं तुम्हें दिए गए 3 सेकेंड, तो बताओ 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ी है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। जो वेलोसिटी है वो 5 है, टाइम लगा 3, मतलब ये 15 मीटर कवर करेगा। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे तो था ही, लेकिन 3 सेकंड के बाद ये और कितना आगे जाएगा, तो ये जाएगा 15 मीटर तक आगे जाएगा। तो मुझे बता सकते हो इसकी जो पोजिशन है यहां से कितनी होगी, तो यहां से कितनी होगी पोजीशन, 15 प्लस 2 इट इज 17 मीटर। गॉट इट? यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। तो ये जो पोजीशन हमने फाइंड करी, कैसे करी हमने पोजीशन फाइंड, तो इस पोजीशन को नाम समझो, हम नाम देते हैं एक्स। ऑलरेडी 2 मीटर पे था, प्लस हमने क्या ऐड कर दिया, डी ऐड कर दिया, और डी हमने कैसे फाइंड किया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये 2 इसकी इनिशियल पोजीशन थी, डी डिस्टेंस, वी वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5, टी कितना था टाइम 3, तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17। तो एक्स हमने कैसे फाइंड किया, देखो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, 2 क्या था इसका, ओरिजिनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, वी इसकी वेलोसिटी, टी इसका टाइम। ये समझ में आया बेटा सबको एग्जांपल? Everyone clear? Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ ए का पोजीशन क्या होगा, तो ए का पोजीशन को हम लिखेंगे एक्स ए इज इक्वल टू, फिर यहां पे 2 था, 2 का मतलब क्या था, इनिशियल डिस्टेंस। तो मुझे बताओ ए का इनिशियल डिस्टेंस कितना था, एक्स नॉट ए प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम, इसकी वेलोसिटी कितनी थी। Got it? किसी को डाउट यहां तक? No sir. Everyone clear? No. Yes sir. The position of particle B after time t. अब किसकी position? B की position. तो मुझे बताओ बी की पोजीशन क्या आएगी, बोलो क्या लिखूंगा मैं, जैसे ए में लिखा वैसे बी में क्या लिखेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू, वेरी गुड, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स नॉट बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इनटू टाइम। गॉट इट? किसी को डाउट है तक?
एवरीवन नो सर आप पूरा ध्यान अब displacement of B with respect to A. अब हम करेंगे displacement किसका B का with respect to A. तो हम लोग उसमें लिखें कैसे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे it's XB minus XA. XB minus XA जैसे हम लिखते थे ना VBA, VBA क्या लिखते थे याद है? Velocity of B with respect to A, VB minus VA. वैसे displacement of B with respect to A क्या लिखेंगे? XB minus XA. Got it? अब XB की वैल्यू क्या थी अपनी? X not B plus VBT minus XA की वैल्यू X not A plus VA into T. Got it? सबको समझ में आई बात ये वाली? Everyone clear? Yes, sir. Yes. अब इसमें yes, XB sir. Minus XA same. ये जो X not B और X not A है इसको साथ में रखेंगे. ठीक है? इन्हों साथ में plus में क्या लिखेंगे? VB minus VA T common आ जाएगा. क्योंकि VB T minus VA T है ना तो T common बचेगा VB minus VA. तो ये जो formula होती है इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में displacement of B with respect to A. अगर displacement A of with respect to B find करना होता तो क्या change आता उल्टा हो जाता सर पूरा का पूरा उल्टा हो जाता क्लियर सबको समझ में आई बात यहाँ तक यस सर चलो इसमें हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस पहला केस फर्स्ट नंबर इफ वी बी इज इक्वल टू वी ए हो समझो दोनों की वेलोसिटी सेम है दोनों की क्या सेम है velocity तो देखो उसका किस टाइप से सिचुएशन बनता है ये है x ये है t पहले देखो ये था x not a और ये है मान लो x not b ठीक है समझो दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर अब देखो मैंने बोला दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मुझे बता सकते हो इस ऊपर वाली इक्वेशन में कौन सी वैल्यू जीरो हो जाएगी VB माइनस VA मतलब पीछे वाला टर्म ये जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर दोनों सेम होंगे तो VB माइनस VA जीरो होगा यस सर अगर ये जीरो होगा तो इक्वेशन में बचेगा क्या X not B minus X not A. मतलब ये हुआ कि पहले दोनों के बीच में डिफरेंस जितना था बाद में भी डिफरेंस उतना ही रहेगा तो इसका जो ग्राफ है ना वो इस टाइप का आएगा पैरेलल लाइंस तो जब भी VB और VA दोनों सेम होंगे तो कैसा ग्राफ आएगा पैरेलल लाइंस गॉट इट किसी को डाउट उसमें No, अच्छा no, अगर उल्टा ले रहा समझो VB VA से बड़ा है तो बोलो क्या आएगा अगर VB VA से बड़ा हुआ तो कैसा ग्राफ आएगा इफ VB इज ग्रेटर देन VA ये मान लो X है ये है T देखो ऑलरेडी बी आगे है देख रहे ऑलरेडी बी आगे है अगर इसकी स्पीड ज्यादा हुई तो ये ए से थोड़ा दूर चला जाएगा
देखो ए भी ऐसे जा रहा है, बी भी ऐसे, लेकिन बी थोड़ा फास्ट है। मैं समझो दो फ्रेंड्स एक साथ जा रहे हैं, जो आगे और अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा देगा ना, समझो ए अगर ऐसे जा रहा है तो बी फिर ऐसे जाएगा। तो देखो दोनों के बीच में गैप जो है वो धीमे धीमे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। इफ, अब उल्टा एक और केस, इफ क्या, अगर वी बी छोटा हो, मतलब पीछे वाला की स्पीड अगर बढ़ जाती है, तो हम उसको बोलते हैं ओवरटेक। ध्यान देना पूरा इस थर्ड वाले में, ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा एक्स नॉट ए, ये तुम्हारा एक्स नॉट बी। ए टाइम मैंने क्या बोला अभी, कौन बड़ा है, ए बड़ा है। ए कौन है, पीछे वो ए है। अगर ए बड़ा होगा तो समझो बी अगर ऐसे जा रहा है ना, तो ए उसको ओवरटेक कर देगा। समझ में आई बात बेटा? कंप्लीट। तो इसमें कितने केसेस हुए टोटल? तीन केस हुए। पहला केस, अगर दोनों की स्पीड सेम है तो पैरेलल चलेंगे, आगे वाला फास्ट बढ़ जाएगा तो और दूर चला जाएगा, लेकिन पीछे वाला फास्ट भगाएगा तो आगे जाके उसको क्या कर देगा, ओवरटेक कर देगा। गॉट इट? तो इस थियरी को बोलते हम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट।